एजुसीकर में आप सभी का स्वागत है। मोहम्मद इकबाल एक ऐसे कॉम्प्लिकेटेड थिंकर है जिनकी लिखी कविता सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा, इंडिया में बहुत गाई जाती है। और यही वो थिंकर है जिनको पाकिस्तान के स्पिरिचुअल फादर माना जाता है। इकबाल को लेकर बहुत सारी हमें ओपिनियन मिलती है। कोई इन्हें फासिस्ट लीडर कहता है, कोई इन्हें ग्रेट डेमोक्रेटिक लीडर कहता है। ओपिनियन कुछ भी हो, इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही ये इनकार नहीं कर सकते कि इकबाल एक ग्रेट थिंकर थे। उनकी टू नेशन थ्योरी के साथ जुड़ी हुई सारी कंट्रोवर्सी मैंने इस वीडियो में कवर की है, साथ ही उनकी लाइफ और जितने भी मेजर पॉलिटिकल थॉट्स हैं वो भी इस वीडियो में कवर किए हैं। शुरुआत करते हैं उनकी फैमिली से। मोहम्मद इकबाल का जन्म 9 नवंबर 1877 सियालकोट में एक हिंदू कश्मीरी फैमिली के घर होता है। इकबाल गर्व से अपनी राइटिंग में कश्मीरी होने के बारे में लिखते हैं। कन्हैयालाल इकबाल के दादाजी और उनके आगे पुत्र रतनलाल इस्लाम में कन्वर्ट हो जाते हैं और अपना नाम नूर मोहम्मद रख लेते हैं। वो शादी करते हैं एक मुस्लिम वुमेन से, इमाम बीबी से। इकबाल की फैमिली कब इस्लाम में कन्वर्ट होती है, किन परिस्थितियों में, उसको लेकर खुशवंत सिंह का लिखा हुआ आर्टिकल मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूँ, आप वहाँ जाकर डिटेल में पढ़ सकते हैं। इकबाल की मदर इमाम बीबी कश्मीरी फैमिली से बिलोंग करते हैं। उनकी डेथ सियालकोट 1914 में होती है। अगर इकबाल की अर्ली एजुकेशन की बात करें तो 4 साल की उम्र में उन्होंने कुरान सीखना शुरू कर दिया था। अरेबिक लैंग्वेज वो सीखते हैं अपने टीचर सैयद मीर हसन से। 1893 में वो अपनी 10वीं कक्षा को ख़त्म करते हैं स्कॉच मिशन स्कूल कॉलेज सियालकोट में। 1897 में वो बीए कंप्लीट करते हैं फिलॉसफी, इंग्लिश लिटरेचर और अरेबिक में। 1899 में वो एमए डिग्री रिसीव करते हैं और गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में एज ए जूनियर प्रोफेसर पढ़ाना शुरू कर देते हैं। हायर एजुकेशन के लिए इकबाल 1905 में इंग्लैंड जाते हैं। इंग्लैंड जाने से पहले कुछ ऐसे थिंकर्स थे जैसे फ्रेडरिक नीचे, हेनरी बर्गसन एंड रूमी, जो उनको काफ़ी इन्फ्लुएंस करते हैं। 1906 में इकबाल अपनी बीए की डिग्री ट्रिनिटी कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में करते हैं। 1907 में इकबाल जर्मनी मूव करते हैं और वहाँ से पीएचडी करते हैं। 1908 में इकबाल अपनी पीएचडी डिग्री करते हैं लुडविग मैक्सिमिलियन यूनिवर्सिटी से, और इनके पीएचडी थीसिस का नाम होता है द डेवलपमेंट ऑफ मेटाफिजिक्स इन पर्शिया। अब हम बात करते हैं इकबाल के पॉलिटिकल कैरियर की। 1908 में वो इंग्लैंड से इंडिया वापस आते हैं और मुस्लिम लीग को ज्वाइन करते हैं। मुस्लिम लीग में वो मोहम्मद शफी और मोहम्मद अली जिना के साथ रहते हैं। यहाँ आकर वो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी को क्रिटिसाइज़ करते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि उनमें हिंदूज जो है वो ज़्यादा संख्या में हैं, ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हैं पार्टी को, जैसे परियर कहते थे। मोहम्मद इकबाल सिर्फ इंडियन नेशनल कांग्रेस से ही खफा नहीं थे, यहाँ तक कि वो मुस्लिम लीग को लेकर भी काफ़ी निराश थे। 1920 में मुस्लिम लीग का बंटवारा हो जाता है 2 ग्रुप्स में। एक ग्रुप होता है मोहम्मद शफी का जो ब्रिटिशर को सपोर्ट करते हैं, और एक ग्रुप होता है जिना का जिन्हें इकबाल आगे चल के सपोर्ट करते हैं क्योंकि वो जिना की पॉलिटिकल लीडरशिप में विश्वास करते हैं। 1926 में इकबाल जो है पंजाब विधानसभा के इलेक्शन लड़ते हैं लाहौर से और ये सीट जीत जाते हैं। मुस्लिम लीग के अलाहाबाद के 1930 के सेशन में और लाहौर के 1932 के सेशन में, इन दोनों सेशन में इकबाल को प्रेसिडेंट चुना जाता है। इकबाल का 1930 अलाहाबाद सेशन में दी हुई स्पीच काफ़ी फेमस है और कहा जाता है कि इस स्पीच में उन्होंने टू नेशन थ्योरी का आइडिया दिया था। ये टू नेशन थ्योरी के आइडिया को और ये स्पीच को मैंने आगे जाकर डिटेल में कवर किया है। अगर उनके लिटरेरी वर्क्स की बात करें कि उन्होंने कौन सी रचनाएं लिखी हैं, इकबाल अपने लिटरेरी कैरियर में ज़्यादा प्रोमिनेंस बनते हैं, ज़्यादा मशहूर बनते हैं जब वो 1899 में अंजुमन ए हिमायत ए इस्लाम की संस्था में अपनी पोइम नले ए यातम को रिसाइट करते हैं। 1904 में वो तराना ए हिंद पब्लिश करते हैं जिन्हें हम सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा पोइम के नाम से जानते हैं, और ये पब्लिश होती है इतिहाद जर्नल में। 1915 में इकबाल जो है अपनी पोइट्री की कलेक्शन को एक बुक में पब्लिश करते हैं जिसका नाम रखते हैं वो असरर ए खुदी, जिसे सीक्रेट्स ऑफ द सेल्फ इंग्लिश में कहा जाता है। ये पर्शियन में पब्लिश होती है। इकबाल के और भी बहुत सारे लिटरेरी वर्क्स हैं, उनकी सारी लिस्ट जो है मैंने स्क्रीन पे दिखा दी है आपको, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अब हम बात करते हैं इकबाल के डेथ की। 1933 में इकबाल जब स्पेन और अफगानिस्तान से वापस आते हैं तो उन्हें गले की शिकायत हो जाती है, और 1938 में इकबाल लाहौर में जो है अपनी लंबी चल रही बीमारी की वजह से डेथ हो जाती है उनकी।
आज इन्हें पाकिस्तान में आलमा इकबाल के नाम से जाना जाता है। आलमा शब्द किसी इस्लामिक स्कॉलर के लिए यूज़ किया जाता है। इन्हें स्पिरिचुअल फादर ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है। अब हम समझते हैं इकबाल के पॉलिटिकल थॉट को। इकबाल के थॉट कभी कभी कॉन्ट्राडिक्टरी लगते हैं, क्योंकि वो मॉडर्निटी और कुरान को दोनों ही एक साथ पढ़ रहे हैं, दोनों की इंटरप्रिटेशन साइमल्टेनियसली कर रहे हैं। लेकिन कोशिश की जाएगी कि उनके थॉट को काफ़ी सिंप्लीफाई किया जाए आप लोगों के लिए। पहले हम समझेंगे उनके खुदी के आइडिया को। खुदी के आइडिया को पब्लिश किया गया था सीक्रेट्स ऑफ द सेल्फ, जो उनकी बुक है असरे खुदी में। अगर खुदी की ट्रांसलेशन करें तो उसका मतलब बनता है सेल्फ। लेकिन इकबाल समझाते हैं कि खुदी का मतलब इंडिविजुअलिटी नहीं है। जैसे लिबरलिज्म में इंडिविजुअलिज्म का आइडिया है, इंडिविजुअल जो है सेंटर ऑफ यूनिवर्स है, यानी इंडिविजुअल जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट बीइंग है इस धरती पर, इस यूनिवर्स पर। इंडिविजुअल जो है अपनी माइंड बॉडी और सेल्फ का जो है मालिक है, जैसे J.S. मिल कहते हैं। इसीलिए इंडिविजुअल के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए, इंडिविजुअल की इंडिविजुअलिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेट जन्म लेती है, स्टेट का होना जरूरी है, जैसे कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी कहती है। इकबाल ऐसे इंडिविजुअलिज्म को रिजेक्ट करते हैं, जैसे मैकफर्सन पोजेसिव इंडिविजुअलिज्म के आइडिया में ऐसे इंडिविजुअलिज्म को क्रिटिसाइज करते हैं। वो इसलिए रिजेक्ट करते हैं इकबाल, क्योंकि वो कहते हैं कि ऐसा इंडिविजुअलिज्म का आइडिया इंडिविजुअल की सोसाइटी के प्रति क्या जिम्मेवारियां हैं वो नहीं दिखाता। यहां तक कि गांधी को भी इस इंडिविजुअलिज्म के आइडिया से प्रॉब्लम थी। इकबाल की तरह गांधी भी ये बिलीव करते थे कि अगर इंडिविजुअल ने सर्वाइव करना है, अपनी सेल्फ डेवलपमेंट करनी है, तो उसे सोसाइटी और पेरेंट्स और टीचर से कुछ लोन लेना पड़ता है, और ये जो लोन है, ये जो कर्ज है, उन्हें वापस करना पड़ेगा। उनके सोसाइटी प्रति कुछ फ़र्ज है, उन्हें वो फ़र्ज को भी समझना ज़रूरी होगा। मार्क्स भी अपने शब्दों में इसी बात को समझाना चाहते हैं। मार्क्स कहते हैं कि दूसरे की फ्रीडम जो है वो मेरी फ्रीडम से गारंटीड होती है। मतलब मेरी फ्रीडम इसी बेस पे डिपेंड करती है कि दूसरे को फ्रीडम दी जाए, और दूसरे की फ्रीडम इसी बेस पे डिपेंड करती है कि मुझे भी फ्रीडम दी जाए। इसका दूसरे शब्दों में मतलब है कि मैं इसलिए एग्जिस्ट करता हूँ क्योंकि दूसरे एग्जिस्ट करते हैं, मेरी हस्ती इसलिए है क्योंकि दूसरों की हस्ती भी है। इसलिए मेरा पर्पस जो है लाइफ में, दूसरे ह्यूमन बीइंग के साथ एंगेज करना जरूरी है। मुझे दूसरों को समझना, दूसरों के प्रति मेरे क्या फ़र्ज है उसे समझना जरूरी है। इसी तरह इकबाल कहते हैं कि सेल्फ जो है इंसान की, वो अदर्स के बिना सर्वाइव नहीं कर सकती। सेल्फ कैनॉट सर्वाइव विदाउट अदर्स। अदर की यहाँ पर डिमेंशन इकबाल मानते हैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें अदर को समझना जरूरी है। इकबाल सेल्फ के नोशन को रीडिफाइन करना चाहते हैं। ऑन वन हैंड इकबाल ये कहते हैं कि इंडिविजुअल को अपनी ऑटोनॉमी को रिटेन रखना पड़ेगा, अपनी इंडिपेंडेंस भी जो है वो नहीं उसे खोनी चाहिए। इंडिविजुअल की इंडिविजुअलिटी होना कोई गलत बात नहीं है, ऑटोनॉमी होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ ही सोसाइटी प्रति उसके क्या फ़र्ज है वो भी नहीं भूलने चाहिए। उसकी कम्युनिटी के प्रति कुछ कमिटमेंट है वो नहीं भूलनी चाहिए। इस तरह इकबाल ये इंडिविजुअल ऑटोनॉमी की और सोसाइटी के प्रति जो कमिटमेंट है, दो किनारों को मीट कराना चाहते हैं, मिलाना चाहते हैं अपने खुदी के आइडिया में। अब हम खुदी के आइडिया में सेल्फ गॉड डिमेंशन समझेंगे। पहले जो हमने समझा वो सेल्फ और अदर की डिमेंशन थी। ह्यूमन माइंड इकबाल मानते हैं फिजिकल लिमिटेशन से भी पार जा सकता है। फिजिकल लिमिटेशन ह्यूमन माइंड को नहीं रोक सकती, इसलिए ह्यूमन माइंड जो है वो गॉड के साथ कनेक्ट हो सकता है। यहाँ इकबाल जिस गॉड की बात कर रहे हैं, वो गॉड कोई एंटिटी की बात नहीं कर रहे हैं जो इंडिपेंडेंटली या फिजिकली एग्जिस्ट नहीं कर सकता। वो आइडिया में, वो थॉट्स में एग्जिस्ट करता है, वो एब्स्ट्रैक्शन में एग्जिस्ट करता है। इसलिए इस तरह के गॉड जो है वो इंडिविजुअल की, ह्यूमन बीइंग की एक हाईएस्ट फॉर्म है। जैसे जैसे इंडिविजुअल खुद को खोजता जाएगा, खुद को एक्सेस करता जाएगा, अपने अंदर क्वालिटीज़ जो है भरता जाएगा, वैसे वैसे ही वो गॉड को खोजता जाएगा। और इकबाल के लिए यही एक तरीका है गॉड से कनेक्ट होने का। अगर देखा जाए तो ये कोई वेस्टर्न थिंकिंग नहीं है, ये एक ईस्टर्न थिंकिंग है, क्योंकि वेस्टर्न थिंकिंग में जो दिख रहा है वही रियलिटी है, और ईस्टर्न थिंकिंग में जो दिख रहा है सिर्फ वही रियलिटी नहीं है, आपके इमोशंस, आपके फीलिंग भी जो है वो भी रियलिटी हो सकती है। सेल्फ गॉड की डिमेंशन को इस तरह से समझना होगा। इकबाल की सेल्फ और गॉड डिमेंशन को थोड़ा और भी पढ़ते हैं। इकबाल ये मानते हैं कि सेल्फ को असेस करने के लिए, मतलब अपनी सेल्फ को, अपनी खुदी को और भी ज़्यादा बेहतरीन तरीके से खोदने के लिए हमें तीन लेवल पर लेयर्स को देखना होगा। एक होगी फिजिकल एग्जिस्टेंस, जो हमारे तक सीमित होगी, सेल्फ तक सीमित होगी। एक होगी रिलेशनल एग्जिस्टेंस,
जो सीमित होगी दूसरों को लेकर, अदर्स को लेकर, और तीसरी होगी यूनिवर्सल एग्जिस्टेंस हमारी, जो हमारे साथ गॉड और हमारा क्या रिलेशन है उसको डिफाइन करेगी। इकबाल कहते हैं कि सेल्फ के ये तीन लेयर्स होती हैं, तीन पार्ट होते हैं। इसलिए इकबाल उन लोगों को क्रिटिसाइज़ करते हैं, खास करके उन सूफ़ी लोगों को या उन तपस्वियों को क्रिटिसाइज़ करते हैं जो सिर्फ थर्ड स्टेज को ही फॉलो करते हैं, सिर्फ गॉड के साथ कनेक्ट होने की ही सिर्फ बात करते हैं, सिर्फ वो एब्स्ट्रैक्शन में जीते हैं, वो परमानंद में जीते हैं, वो फिज़िकल एग्जिस्टेंस और रिलेशनल एग्जिस्टेंस को इग्नोर करते हैं। इसीलिए इकबाल कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग को जो है तीनों लेवल पर साइमल्टेनियसली जीने की ज़रूरत है। ये इकबाल का जो आइडिया है, गांधी ने अपने आइडिया स्वराज में दिया था और टैगोर ने अपने ट्रू फ्रीडम के आइडिया में दिया था। ये दोनों आइडिया मैंने गांधी और टैगोर की वीडियो में कवर किए हैं, आप जाकर देख सकते हैं। इकबाल फर्दर बताते हैं कि अगर ह्यूमन बीइंग ये हायर सेल्फ अपनी अचीव कर ले, अपने आप को एक बेटर ह्यूमन बीइंग बना ले, तो वो जो है पूरा डेमोक्रेटिक बन जाएगा। इकबाल यहाँ पर निश्चय का जो कंसेप्ट है सुपरमैन का वो लेते हैं और उसको इंसाने कालिम कहते हैं। ऐसा ह्यूमन बीइंग जो बेटर बन जाता है, जिसमें गॉडली क्वालिटीज आ जाती है। इस कंसेप्ट से, खुदी के कंसेप्ट से इकबाल एक नई पॉलिटिक्स को जो है जन्म देना चाहते थे, पॉलिटिक्स ऑफ सेल्फनेस की, पॉलिटिक्स फॉर ह्यूमैनिटी, और ऐसी पॉलिटिक्स जिसमें लोगों की वेलफेयर हो, लोगों की भलाई हो। अगर इकबाल के डेमोक्रेसी के आइडिया की हम बात करें, तो इकबाल की डेमोक्रेसी के आइडिया में एथिक्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम कह रहे हैं कि इकबाल की डेमोक्रेसी एक एथिकल डेमोक्रेसी है, तो एक ही बात होगी, खुदी का आइडिया इकबाल की डेमोक्रेसी में सबसे इम्पॉर्टेंट है। खुदी एक बेस है जिसके ऊपर सारी डेमोक्रेसी बिल्ड की जाएगी। इसलिए इकबाल कहते हैं अगर हम लोग खुदी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे, खुदी के आइडिया को ध्यान से समझेंगे, तो हम कभी भी अनडेमोक्रेटिक नहीं कहलाए जाएंगे, नहीं बन पाएंगे। खुदी का मतलब यही है कि हम सारे ह्यूमंस को इक्वल मानने लगेंगे, और खुदी का आइडिया हमें यह भी सिखाएगा कि सारे ह्यूमन बीइंग को जो है राइट्स होने चाहिए, ताकि वो अपनी बेस्ट पॉसिबल सेल्फ को अचीव कर सके, अपने आप को और भी ज़्यादा डेवलप कर सके, अपने आप को और भी ज़्यादा जो है इंटरनली और एक्सटर्नली ग्रो कर सके। इकबाल कहते हैं ऐसी डेमोक्रेसी में ना रेसिज्म की कोई जगह होगी और ना ही किसी तरह के भेदभाव की कोई जगह होगी। ऐसी जो डेमोक्रेसी होगी वो मेजॉरिटेरियनिज्म तो बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि इकबाल मानते हैं मेजॉरिटेरियनिज्म डेमोक्रेसी ऐसी डेमोक्रेसी में वर्क नहीं कर सकती है। मेजॉरिटेरियनिज्म जो है सोसाइटी में सही तरह का बदलाव नहीं लेकर आ सकती। मेजॉरिटेरियनिज्म होता है जैसे इलेक्शन में वोट डाली जाती है, जिसको ज़्यादा वोट मिलती है वो जीतता है। इसी तरह जो डिसीजन भी लिए जाते हैं वो भी मेजॉरिटी बेसिस पे लिए जाते हैं। जैसे कोई लॉ भी पास किया जाता है तो वो भी मेजॉरिटी के बेस पे किया जाता है। तो इकबाल मेजॉरिटेरियनिज्म में बिल्कुल विश्वास नहीं रखते थे। इकबाल ये कहते थे कि डेमोक्रेसी का मतलब होता है एक डिसेंट सोसाइटी बिल्ड करना, एक ऐसी सोसाइटी बिल्ड करना जहाँ पर कम्युनिटी लाइफ जो है लोग बतीत कर सकें, कि दूसरों के बारे में भी सोच सकें। और ऐसी डेमोक्रेसी में ह्यूमन बींग अपने सेल्फ इंटरेस्ट से ऊपर उठेगा, मेजॉरिटेरियनिज्म के बारे में नहीं सोचेगा। फिर वो भी डिसीजन लेगा जो मिनोरिटीज़ के लिए भी लिए जाएंगे, सिर्फ मेजॉरिटी वाले डिसीजन ही जो है एप्लीकेबल नहीं होंगे। इसलिए इकबाल कहते हैं ऐसी डेमोक्रेसी अपने आप में हाईली इगैलिटेरियन होगी, अपने आप में एक ट्रू इगैलिटेरियन डेमोक्रेसी होगी जिसमें सब लोग जो है इक्वल्स पाए जाएंगे। इकबाल कहते हैं कि ऐसे डेमोक्रेसी को अगर हम बनाना चाहते हैं तो हमें न्यू इंस्टीट्यूशन बिल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इकबाल का इस्लाम में अटूट विश्वास था और वो मानते थे कि इस्लाम में ऐसे इंस्टीट्यूशन एग्जिस्ट करते हैं जो ऐसी डेमोक्रेसी को एक्चुअली बिल्ड कर सकते हैं। इवन ये आइडिया जो है गांधी ने अपने ओशियनिक सर्कल के आइडिया में भी बताया है, जिसमें वो विलेज बेस्ड या कम्युनिटी बेस्ड लाइफ की बात करते हैं, क्योंकि गांधी भी पार्टी सिस्टम को फेवर नहीं करते थे। गांधी भी जो है कम्युनिटी लाइफ को है ज़्यादा फेवर करते थे। गांधी और इकबाल दोनों ही अपने अपने आइडियाज़ को, अपने अपने ट्रेडिशन से, इकबाल इस्लामिज़म और गांधी हिंदुइज़म को बेस बनाकर एक मॉडर्न वेस्टर्न डेमोक्रेसी का अल्टरनेटिव बता रहे हैं। अब हम इकबाल के नेशनलिज्म के आइडिया को समझते हैं। इकबाल टैगोर की तरह बिल्कुल यही बिलीव करते थे कि इंसानियत को राष्ट्र में बांट देना बिल्कुल एक अच्छा आइडिया नहीं है, क्योंकि वो ये मानते थे कि नेशन को बिल्ड किया जाता है एक आइडेंटिटी पर, एक ऐसी आइडेंटिटी क्रिएट की जाती है जो अदरनेस के आइडिया पर क्रिएट की जाती है। अदरनेस के आइडिया में हमें ये सिखाया जाता है कि हम और हमारे देश के वासी ही साथ हैं,
बाकी जो दूसरे देश के लोग हैं वो जहाँ तो दुश्मन हैं, जहाँ अदर है, जहाँ फॉरनर है, जहाँ उसे कहते हैं एलियन है। इस तरह जितना भी अदरनेस का आइडिया इस नेशनलिज्म के आइडिया में क्रिएट किया जाएगा, नेशन उतना ही ज़्यादा कंसोलिडेट होता है, नेशन जो है उतना ही ज़्यादा मजबूत बनता है। ऐसे नेशन स्टेट में कभी कम्युनिटी का आइडिया डेवलप हो ही नहीं सकता। टैगोर ने अपने इसी आइडिया को इंटरनेशनलिज्म में बताया है और गांधी ने अपने विलेज सिविलाइजेशन में ऐसे ही आइडिया को प्रमोट किया है। इकबाल फर्दर बताते हैं कि सोसाइटी जो होनी चाहिए वो एक इगैलिटेरियन होनी चाहिए, जिसमें इंडिविजुअल जो है अपनी हाईएस्ट पॉसिबल डेवलपमेंट कर सके, उसको ये अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, ऐसे अवसर उसे मिलने चाहिए। इकबाल मानते हैं अगर सबको एक जैसे अवसर मिले तो ऐसे ह्यूमन बींग जो है खुद ही के आइडिया पर गाइड किए जाएंगे, खुद ही यानी गॉड विल जो है उन्हें गाइड करेगी। ऐसे गॉडली ह्यूमन जो होंगे उन्हें कभी नेशन स्टेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो दूसरों के बारे में सोचेंगे, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचेंगे। जब हम दूसरों के बारे में सोचने लगेंगे तो हमें किसी भी राष्ट्र की, किसी भी नेशन स्टेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि नेशन जो है सिर्फ बाउंड्रीज क्रिएट करते हैं, फिजिकल या ज्योग्राफिकल बाउंड्री नहीं, मेंटली बाउंड्रीज भी जो हैं क्रिएट करते हैं। इसलिए वो मैकेवली को क्रिटिसाइज़ करते हैं कि मैकेवली को वो कहते हैं कि वो मैसेंजर ऑफ सैटन है, क्योंकि मैकेवली ने पॉलिटिक्स और रिलीजन को अलग किया था। इकबाल मानते हैं पॉलिटिक्स और रिलीजन को अलग करना एक ठीक आइडिया नहीं है। इकबाल पैन इस्लामिज़म का आइडिया भी देते हैं। इकबाल चाहते थे कि मुस्लिम जो है वो वर्ल्ड लेवल पर यूनाइट हों बिना किसी ज्योग्राफिकल लोकेशन के बाधाओं से। पैन इस्लामिज्म का मतलब ही है कि रेस, कास्ट, ज्योग्राफी और जितने भी वर्ल्डली बैरियर्स हैं उनको सब डिफाई करता है, ख़त्म करता है। इकबाल कहते थे कि इस्लाम को रीओरिएंट करने की ज़रूरत है, उसे रीस्ट्रक्चर करने की ज़रूरत है, ताकि वो इस्लाम जो है अभी तक स्थानिक जो धर्म है वो वर्ल्ड व्यू बन सके, वो सिर्फ लोगों का धर्म नहीं है, वो मुस्लिम ब्रदरहुड का एक वर्ल्ड व्यू बन सके, जिसमें मुस्लिम जो है अपने आप को यूनाइट फील कर सके, अपने आप को लिबरेटेड फील कर सके हर तरह की वर्ल्डली रिस्ट्रिक्शन से। इसलिए इकबाल ने इस कॉमन बॉन्ड को जो नाम दिया है वो नाम दिया है मिलत का। इस्लाम के रिवाइवल की इकबाल बात करते हैं। ये बात इकबाल करते हैं अपने शे जो उन्होंने इंग्लिश लेक्चर दिए थे, जो लाहौर में 1930 में पब्लिश होते हैं और बाद में उसे ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस भी पब्लिश करती है 1934 में, और इस लेक्चर का नाम दिया जाता है द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम। इकबाल इन लेक्चर्स में ये बताते हैं कि इस्लाम को कैसे रिफॉर्म किया जा सकता है। इकबाल कहते हैं मॉडर्न फिलॉसफी और साइंस के साथ जो है हम इस्लाम को रिफॉर्म कर सकते हैं। इकबाल की कुछ स्टेटमेंट जो यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्टरी भी लगती है, क्योंकि कभी कभी वो स्टेटमेंट में स्लोगन लगाते हैं कि हमें पुराने इस्लाम पे जाना चाहिए, और कभी कभी एक ही टाइम पर वो इस्लाम को मॉडर्नाइज भी बनाना चाहते हैं, वो डायनामिक भी बनाना चाहते हैं। डायनामिक का मतलब है हालात और परिस्थितियों के मुताबिक जैसे जैसे दुनिया बदलती है वैसे वैसे इस्लाम की इंटरप्रिटेशन भी उसके साथ जो है बदलनी चाहिए, ताकि कंटेम्प्रेरी प्रॉब्लम्स के साथ भी जो है वो डील कर सके। इकबाल सूफिज़म को हाईली क्रिटिसाइज करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि सूफिज़म सिर्फ स्पिरिचुअल वर्ल्ड के साथ डील करता है, फिज़िकल वर्ल्ड के साथ वो जो है कम डील करता है। इकबाल ये समझाते हैं कि अगर फिज़िकल वर्ल्ड के हम निगेट करें, ज़्यादा फोकस ना करें, तो इससे सोशल स्टैग्नेशन आ जाएगी, सोसाइटी की प्रोग्रेस नहीं हो पाएगी। इसलिए कुरान में जो आइडिया है ज़ाहिर और बातिन का, ज़ाहिर का मतलब है विजिबल और बातिन का मतलब है हिडन, दूसरे शब्दों में ज़ाहिर का मतलब है फिज़िकल वर्ल्ड और बातिन का मतलब है स्पिरिचुअल वर्ल्ड। जैसे सूफिज़म ये आइडिया को प्रोपोगेट करता है, वैसे ही उनका जो एटीट्यूड है सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को लेकर काफ़ी लापरवाही वाला दिखता है। इसलिए वो कहते हैं इस आइडिया को ऐसे देखने की ज़रूरत नहीं है, हमें कंटेम्प्रेरी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन भी जो है ढूंढने होंगे, इस तरह से इस्लाम को जो है रिवाइव किया जाए, इस तरह से इस्लाम को जो है रिफॉर्म किया जाए। अब हम बात करते हैं उनकी टू नेशन की थ्योरी को लेकर। इकबाल अपनी अर्ली लाइफ में ये होप करते हैं कि मुस्लिम को जो है इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद जो है पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिलेगी, लेकिन जैसे ही वो यूरोप में स्टे करने जाते हैं, वहाँ पर पढ़ाई करते हैं और ये ऑब्ज़र्व करते हैं कि कुछ ऐसे भी तत्व है सोसाइटी में जो इस्लाम के रिलीजन और कल्चर को जो है ख़त्म कर सकती है, इसलिए मुस्लिम्स को लेकर, मुस्लिम की इंडिया में पोजीशन को लेकर वो डाउटफुल हो जाते हैं। हालांकि 1929 तक पार्टीशन की बात बिल्कुल भी कंट्री में नहीं की थी उन्होंने। एक आर्टिकल है अरूप के चटर्जी का लिखा हुआ, मैं उसका लिंक शेयर कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप उसको भी डिटेल में जाकर पढ़ना।
अब हम समझते हैं उनके अलाहाबाद एड्रेस को लेकर जो उन्होंने स्पीच दी थी 1930 में, जो उन्होंने स्पीच दी थी 1930 के सेशन में। इस स्पीच में उन्होंने पहली बार इंडिया को रीऑर्गेनाइज करने की बात की थी। अगर उस स्पीच का अगर हिस्सा देखें जिसको ज़्यादा पॉपुलराइज किया जाता है, वो ये है जिसमें इकबाल कहते हैं कि मैं पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, सिंध और बलूचिस्तान को एक सिंगल स्टेट में इकट्ठा करना चाहता हूँ और ये स्टेट में सेल्फ गवर्नमेंट हो, चाहे ब्रिटिश अम्पायर में हो या ब्रिटिश अम्पायर के बिना हो। और इकबाल मानते हैं ये नॉर्थ वेस्ट इंडियन मुस्लिम स्टेट की कंसोलिडेशन जो है मुस्लिम्स की फाइनल डेस्टिनी होगी। इस स्टेटमेंट को दो तरीके से पढ़ा जाता है। एक स्टेटमेंट इस तरह से पढ़ी जाती है कि इकबाल एक अलग मुस्लिम नेशन मांग रहे हैं इंडिया से, और दूसरी स्टेटमेंट ये कहती है कि इकबाल एक सिर्फ मुस्लिम स्टेट मांग रहे थे विद इन इंडिया में। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है या गलत ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन ये कह सकते हैं कि इकबाल अगर खुद अपनी लाइफ में इसका डिटेल प्रपोजल दे जाते कि ये कैसे इम्प्लीमेंट होना है, ये प्रपोजल जो वो स्पीच में रख रहे थे, तो बात और भी क्लियर हो जाती, लेकिन ये उनकी लाइफ में रहते हुए नहीं हुआ। तो टू नेशन की थ्योरी उन्होंने दी या नहीं दी ये अगर हम नहीं भी कह सकते, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जो पाकिस्तान की मूवमेंट, सेपरेट पाकिस्तान की मूवमेंट चलती है, उसके पीछे जो इंस्पिरेशन रहती है वो इकबाल की स्पीचेस इंस्पिरेशन बनती है। अगर इसके लिए आप डिटेल में पढ़ सकते हैं तो ये स्क्रॉल में जफर अंजुम का आर्टिकल है जिसको आप पढ़ सकते हैं कि इकबाल जो है अपनी लाइफ के एंड में टू नेशन थ्योरी को लेकर डाउटफुल थे। लास्ट में कुछ क्रेडिट्स और एक्नॉलेजमेंट देनी बनती है जिनकी वजह से ये लेक्चर बनाना पॉसिबल हो सका है। थैंक यू उन सभी लोगों के लिए, आप स्क्रीन में नाम देख सकते हैं। धन्यवाद इस लेक्चर को सुनने के लिए।